अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक, मज़े में होंगे। तो जी आज बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसे कि आप लोग एंट्रेंस से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर आई हूँ, और ये जी हाँ मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में, और यहाँ पर लगी है एग्ज़िबिशन। 17th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन है फूड रिलेटेड, यानी फूड एशिया के नाम से ये एग्ज़िबिशन यहाँ पर लगी है कराची एक्सपो सेंटर में। और अभी हम यहाँ पर पार्किंग ढूंढ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड मौजूद है, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर एक्सपो सेंटर की पार्किंग का एरिया बहुत बड़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं पार्किंग मिल जाएगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें हॉल के बिल्कुल जस्ट जो है नियर ही हमें बहुत अच्छी सी पार्किंग मिल गई है। और अब बस मैं आप लोगों को अगेन दिखा रही हूँ दोबारा से कि रश देख सकते हैं आप लोग। कराची की आवाम जो हैं इस एग्ज़िबिशन को जो है इंजॉय करने के लिए पहुँच चुकी है। और बस अब हम लोग भी जो हैं जल्दी जल्दी से जाते हैं अंदर हॉल में, जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसी एग्ज़िबिशन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 17th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है, 29 to 31 अक्टूबर है। फूड टेक्नोलॉजी एशिया के नाम से ये एग्ज़िबिशन है। बहुत बड़े बड़े से इन्होंने यहाँ पर पोस्टर्स लगाए हुए थे, और बहुत ज़्यादा आवाम का रश था यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं कि एक गेट से कोई आ रहा है, एक गेट से कोई जा रहा है। तो यहाँ पर एंट्रेंस भी दिखा सकते हैं। इन्होंने अगेन जगह जगह पर डेट्स मेंशन की हुई हैं कि किस डेट से किस डेट तक है। और एक्सपो सेंटर क्या, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत ज़बरदस्त इनकी बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो खैर जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्रेंस ली तो साइड तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वो एंट्री पास दिया जाएगा। तो हम लोगों को कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, और मुझसे तो उन्होंने अचानक से जब पूछा कि आप किस डेजिग्नेशन पे किस कंपनी में हैं, तो मेरा तो बिल्कुल मैं ऑफ हो गई क्योंकि करंटली मैं कुछ कर नहीं रही। तो मैंने उनको बताया कि मैंने फिर अपनी लास्ट जो भी मेरी जॉब थी मैंने वहाँ का डेजिग्नेशन भी बल्कि गलती बता दिया एकदम से जब उन्होंने पूछा। मैंने बोला शायद यहाँ पर डेजिग्नेशन बताना ज़रूरी होता है। खैर मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मेरा पास रेडी कर दिया था। और अगेन यहाँ पर अब यहाँ पर पोस्टर जगह जगह लगाए हुए हैं, इन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं, और डेट मेंशन की है फूड एशिया है, और साथ साथ जो इनके जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें लाल किला है, फिला है, और जो हैं काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इनके मौजूद, सब के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। बहुत ज़बरदस्त सा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है अपना, एक तरह से लाउंज एरिया बोल सकते हैं इसको। और बहुत प्यारा इसको कवर मतलब किया हुआ इन्होंने अपने पोस्टर्स के ज़रिए से। और यहाँ पर भी आप लोग आवाम का रश देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी चहल पहल थी कि जो है लोग अपने पिक्चर्स बना रहे थे क्योंकि लाइटिंग बहुत प्यारी थी। तो मैंने सोचा ज़रा मैं भी जो हूँ अपनी पिक्चर्स वगैरह लूँ। तो मैंने यहाँ पर मैंने भी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं फूड एशिया से रिलेटेड जितनी भी मेरी जो पोस्ट होंगी वो सारी की सारी मैं शेयर करूंगी। और बस यहीं पर मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट थी कि अंदर हॉल में जाने की, कि अंदर कौन कौन से स्टॉल्स मौजूद हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक बहुत प्यारी सी बोट टाइप कुछ बनाया हुआ था, या शिप है क्या है, ये बहुत प्यारा सा इन्होंने एक बनाया हुआ था। और साथ फिर पीछे इनके दोबारा से जो जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारा पेपर टिश्यू एशिया, राइस है, स्टॉक एशिया है, अग्री एशिया है, मतलब सारे उनके नाम है। अगेन बहुत सारे पोस्टर्स, वहाँ पर टाइम मेंशन है, वहाँ पर डेट मेंशन है, और कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं वो सारा का सारा यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो खैर मैं आप लोगों को अपना पास दिखा जा रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने मुझे पास जो दिया था वो लेकर मैं अंदर जा रही हूँ, और मैंने अपनी लास्ट कंपनी का नाम और अपना बहुत पहला डेजिग्नेशन बता दिया था। मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत बाद में हंसी आती थी कि मैंने क्या डेजिग्नेशन बताया, जो कि मेरा फर्स्ट इनिशियल डेजिग्नेशन था मैंने वो बता दिया। खैर हो जाते हैं ऐसे ब्लंडर्स आप काफ़ी टाइम के बाद अगर अचानक से इस तरह से कोई पूछ ले तो। तो खैर जी मैंने यहाँ पर जो है हॉल में एंट्री ले ली है, और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल से स्टॉल्स जो हैं वो आप लोगों को दिखेंगे। और सबसे पहला स्टॉल भी आप लोग देख सकते हैं कि माय रैप के नाम से है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और इसको अभी मैंने इतना क्लियर मतलब इतना ज़्यादा डीपली इसको कवर नहीं किया, बस जस्ट हम लोग क्योंकि थोड़ा सा ना हमें ये भी हुआ था कि थोड़ी देर हो गई थी, तो मेरा ये था कि मैं इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो खैर
तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं बबल टी आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इन हैं, ये बबल टीज जो हैं बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इसका नाम है। तो ये जो है आजकल के दौर जदीद में मैंने इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना है। खैर यहाँ पर ये वाले जो भाई साहब हैं ये हमेशा एग्जीबिशन में होते हैं, कोई फर्नीचर की एग्जीबिशन हो, मुझे तो लग रहा है कि अगर कभी जो है यहाँ पर असलहा की एग्जीबिशन लगेगी तो उसमें भी अपने सारे जो हैं ये सारा उठाकर लेकर आएंगे किचन स्टफ़ यहाँ पर, और हर दफ़ा ये मौजूद होते हैं। खैर तो यहाँ पर जगह जगह जो है आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने स्टॉल लगाए हैं। कॉन्फ्रेंस एरिया था यहाँ पर, दिन में कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, कुछ कॉन्फ्रेंस हुई होंगी, हम तो खैर शाम में गए थे। और यहाँ पर फिपको फ्लेवर्स एंड इंग्रेडिएंट प्रोसेसिंग कंपनी है और यहाँ पर इनको इतना बिजनेस मिलता है, बाकायदा यहाँ पर बैठ कर बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो रही होती हैं। और मैंने तो यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज़ को एक्सप्लोर किया, मुझे नहीं पता था कि फ़ूड रिलेटेड इतनी कंपनीज़ हैं लोकल जो पाकिस्तानी हैं। हम तो वो ही गिनी चुनी जो हमें कुछ पता हैं फेमस कंपनीज़, हम उन्हीं के ब्रांड के मसाले वगैरह या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज़ थी कि लिटरली मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि पाकिस्तान में इतना सारा काम हो रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक एक और चीज़ भी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्या चीज़ है। खैर यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि जो है टी वगैरह जो है ग्रीन टी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, इनके पाउडर्स आ रहे हैं, जिंजर पाउडर था, गार्लिक पाउडर था, उनके उनकी भी टी। और यहाँ पर ये जो आप लोग देख सकते हैं ये लेडी जो थी ये पता नहीं कहाँ की थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री थी, ये हमारे मुल्क की नहीं थी और देखने से भी खैर फील हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे से बॉक्सेस में भी बहुत सारा पता नहीं ये वाइट वाइट क्या रखा हुआ था, काफ़ी सारा मटेरियल था। ये तो ज़्यादातर जो है ऐसा ही स्टफ़ था जिससे आप लोग टी बना सकते हैं, ग्रीन टी बना सकते हैं। और यहाँ पर अब इन्होंने मोजीतो, थाई टी, कस्टर्ड और जिंजर लेते और मतलब सारे इनके जो हैं आप लोग देख सकते हैं। फिर इन्होंने पीछे छोटे छोटे से बीकर्स में भी रखा हुआ है और लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स बता रहे हैं कि हलाल है ये और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स का वेट कर रहे हैं। दोनों की दोनों जो हैं वो किसी और कंट्री की हैं, वैसे ये उज़्बेकिस्तान की लग रही थी ज़्यादातर ना, इनकी शक्ल वैसे मिल रही थी। खैर अब नेक्स्ट स्टॉल की तरफ जाते हैं कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है। जी तो ये है पोलनवास मिकाइनसन, मतलब कोई बाहरी की ये भी कोई कंपनी थी और ये भी अपनी जो है प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल करने के लिए आए हुए हैं कि आप आए हमारे पास बिज़नेस के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर बेकरी आइटम थे, बन टाइप होता है ना वो, और उसकी मशीनरी मतलब उसकी मेरे ख्याल से मशीनरी थी सारी की सारी। इन्होंने जो पिक्चर्स लगाई हुई है ना, इन्होंने अपना कोई डिस्प्ले पर कुछ मशीन नहीं लगाई क्योंकि बहुत बड़ा लेवल की ओवंस टाइप कुछ लग रहे हैं जैसे होटल्स में यूज़ होते हैं वैसा कुछ था। जी तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक और स्टॉल लगा हुआ है फूड इंडस्ट्री का और इनके ये जो छोटे छोटे से आजकल अगर मैं ब्रांड का नाम ले लूँ तो उनके निम्को टाइप जो होती हैं बल्ले बल्ले और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो इनकी बाबा के नाम से आप लोग देख सकते हैं इन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं और इनकी भी इसी तरह जो है वो क्रिंकल चिप्स और जो निम्को वगैरह होती है बच्चों जो बच्चे चीज़ें खाते हैं वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं इन्होंने कुछ। और इनके पास भी काफ़ी रश था, लोग देख थे और पसंद कर रहे थे। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो फील हुई ना, ये आई गेस दे नहीं रहे थे मतलब बेच नहीं रहे थे, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए था क्योंकि एक आंटी से मैंने मुझे जो है सुनने ये मिला था क्योंकि वो बोलते हुए जा रही थी कि यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले पे लगाया हुआ है इन्होंने, हम मतलब इसको बाय नहीं कर सकते। बट ऐसा होता नहीं है, मैंने खैर मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो मैंने इस चीज़ को इतना फोकस किया ही नहीं कि यहाँ पर आप लोग खरीद कर सकते हैं या नहीं खरीद सकते, मैं जस्ट जो है वो कवर कर रही थी तो मैंने इतना डिटेल में मैं नहीं गई। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि जी तो ये फूड एशिया है, खाने पकाने वाला सारा काम है तो बर्तन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी है बर्तनों की और काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इनकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी लग रही थी, नॉन स्टिक में भी थे और इसके अलावा सिंपल भी थे, इनके पास पॉट्स तो बहुत ज़बरदस्त थे और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने इसको भी कवर किया, आप लोग रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना ज़्यादा जो है वो बिज़नेस हो रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी चीज़ें बिक रही थी और रश जो है वो बहुत ज़्यादा था और धड़ाधड़ लोग ले रहे थे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की मैंने मतलब रश देखा है तो वो इस स्टॉल पर देखे कि यहाँ पर बाकायदा लोग काफ़ी देर तक रुके हुए थे। खैर मैं तो इसको थोड़ा बहुत कैप्चर किया मैंने आप लोगों के लिए और अगर आप लोगों को डिटेल में जो है इनके जो है बर्तन लेने हैं तो आप लोग SK की जो है वेबसाइट पर भी जाके सर्च कर सकते हैं, इनकी आपको पता चल जाएगा कि शॉप कहाँ कहाँ पर हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो मुझे इनके बर्तन बहुत प्यारे लग रहे थे। खैर जी तो आगे आई हूँ मैं, तो यहाँ पर कुछ बेकरी आइटम्स थे
और एग्ज़िबिशन में रश इतना ज़्यादा था कि मतलब आप लोगों को बस जल्दी जल्दी कवर करके आगे निकलना होता है, और कवर भी सही तरीके से लगा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इनका नाम जो है वो इतने अच्छे से क्लियरली जो है कैप्चर नहीं हो सका। किचन आया है नेक्स्ट, ऊपर कौन सा ब्रांड का नेम था वो इतने क्लियर नहीं आ सका। खैर, तो यहाँ पर ये लोग जो है कस्टमाइज केक बनाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ बाय नहीं कर सकते, क्योंकि एक आंटी अभी आप लोगों ने वीडियो में देखी होंगी, वो बोल रही थी कि इनको हम ख़रीद नहीं सकते बेटा। मैंने बोला जी ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेवर्ड काफ़ी सारे यहाँ पर बच्चों के हिसाब से रखे हुए हैं। मिल्कीज फूड के नाम से ये ब्रांड है, और ये भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स आप लोगों को चाहिए, जिस तरह के भी बच्चों के लिए। बच्चे आजकल बहुत जो है वो चॉकलेट डाल के पीना दूध में पसंद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फ्लेवर्ड काफ़ी सारे रखे हुए थे। न्यूटेला की तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो मतलब खैर, नाम इनका था मिल्कीज़ था, तो डिफरेंट ब्रांड है लेकिन चीज़ वही चीज़ है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा। और ये भी एक लोकल ब्रांड थी, मुझे मैंने इसको पहले नहीं सुना हुआ था, पहले नहीं देखा हुआ था, और यहीं पर देखा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि बिज़नेस के लिए लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पर देखें इनका जो है चॉकलेट सीरम भी है, इनकी टी भी है, और इनकी जो है वो कॉफ़ी का भी पीछे इन्होंने जार रखा हुआ है, तो इन्होंने टेबल पर भी डिस्प्ले किए हुए थे। और इसी तरह यहाँ पर भी है, इनका सीरम भी है और बच्चों के लिए जैसे बताया, और अगर आप लोग चाहें तो इनको ब्रेड पे भी लगा कर दे सकते हैं। तो इस तरह के इन्होंने यहाँ पर इसको टेबल पे रख दिया था कि आप लोग देख लें। लेकिन मुझे इसकी ना पैकेजिंग कुछ इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी, आप लोग क्या आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब होते थे तो हमारे वहाँ पर ना इन चीज़ों को बड़ा देखा जाता था कि मतलब अगर आप लोगों के कैप्स और बॉटल वगैरह से अंदाज़ा लगाया जा जाता था कि ये जो है वो चीज़ कैसी है। तो मुझे इसकी जो है पैकेजिंग को इतनी ख़ास लगी नहीं है। खैर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक स्टॉल है, और ये भी एक लोकल ब्रांड है, और इनके फ्लेवर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत सारे फ्लेवर्स देते हैं, और यहाँ पे भी कोई बिजनेस डील चल रही थी। खैर, और यहाँ पर आ गए चॉकलेट हेवन था, उसके अलावा और भी स्टॉल्स हैं, उनको भी कैप्चर करते करते आगे जाएंगे। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं इकॉन एसेंस हैं, यहाँ पर एसेंस मिलते हैं, सारे के सारे फ्लेवर्स मिलेंगे आपको, क्वालिटी फूड फ्लेवर्स। और यहाँ पर भी कोई डील चल रही थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनके क्या जो है इनकी मोटो क्या है, वो सारा का सारा वहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या क्या है, किस मकसद के लिए इनके फ्लेवर्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो सारा का सारा। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बहुत अच्छे से देंगे ये। और सारे के सारे फ्रूट्स को यूज़ करते हुए इन्होंने फ्लेवर्स बनाए हुए हैं, और सारा डिस्प्ले में बनाए हुए बताया हुआ था कि हम लोग ये चीज़ें देते हैं। यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट कलर के और डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, और डिफरेंट जो है इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है कि आप लोग हमसे जो है वो बनवा सकते हैं, या जो है हमें बड़े बड़े ऑर्डर दे सकते हैं। और चिकन पाउडर भी देखें, मतलब मुझे तो बिल्कुल, मैं देख के हैरान परेशान थी कि इतनी सारी चीज़ें मतलब हमारी लोकल बन रही हैं और हमें पता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएँ ग्रुप ऑफ कंपनीज, सैक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और ये भी कह रहे हैं बहुत पुरानी कंपनी है हमारी कंपनी बहुत कुछ बनाती है, हमारी कंपनी शैम्पूज बनाती है, हमारी कंपनी जो है वो क्रीम्स बनाती है, हमारी कंपनी खाने पीने की चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि फूड कलर भी बनाती है इनकी कंपनी, और इन्होंने हर तरह की पैकेजिंग में दिखा दिया है। और लेकिन ये थोड़ी सी ये भी लोकल पैकेजिंग लग रही थी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं कुछ बोल नहीं सकती कि अच्छा है या बुरा है। और काफ़ी डिफरेंट तरह की पैकेजिंग थी यहाँ पर इनकी। इसके अलावा यहाँ पर अगेन शैम्पू की जो बॉटल्स हैं वो भी थोड़ी सी मुझे ऐसी सी लग रही हैं, लेकिन बग़ैर इस्तेमाल किए हुए, मैं खैर मुझे कोई रिव्यू देना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये लोग भी बनाते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स भी बनाते हैं ये लोग, और ये बहुत सारी इन्होंने भी डिस्प्ले की हुई थी अपनी चीज़ें। और ये देखते जाइए यहाँ पर, ये मुझे कुछ इनकी फाउंडेशन टाइप कुछ लग रहा था, नहीं परफ्यूम्स हैं, सॉरी ये परफ्यूम्स इन्होंने लगाए हुए, बहुत बड़ी रेंज है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम्स हैं, छोटी हैं, आप लोग इसको ईजिली अपने अगर आप लोग बैग में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। फ्लेवर पाउडर अगेन पैकेजिंग में, डिफरेंट पैकेजिंग में आ गए हैं, सेफ्रॉन का है। और यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है, बहुत सारा कुछ था इनके पास भी, इन्होंने तकरीबन अपनी सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी। यहाँ पर आ जाइए जी, ये हैं महानूर इंटरप्राइजेज़, और ये क्या देते हैं तो इनको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सॉसेस, टोमेटो केचप और इस तरह की चीज़ें थी, डिफरेंट अचार वगैरह भी था यहाँ पर, और ऑलिव्स का ये मेरे ख्याल से इन्होंने पूरा पैक बना के और सिरका के अंदर रखा हुआ था ये। इसके अलावा क्रिंकल्स भी देते हैं, पीछे आप लोग निम्को भी देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी लोकल ब्रांड है। सूजी देते हैं, मैदा देते हैं, इस तरह की चीज़ें इन्होंने पैक बनाई थी कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आप लोग
लोगों को डिफरेंट जो भी हमारी पैकेजिंग है उस हिसाब से हम इतना क्वांटिटी में और इस तरह से बल्क में और ये सब कुछ दे सकते हैं। तो ये एक हमारी लोकल ब्रांड और है जो कि मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं था। आई डोंट नो आप लोगों ने ये देखी है नहीं। इसके अलावा ये जैम भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर इनके जैम देखिए, इन्होंने डिफरेंट जो हैं वो फ्लेवर के जैम्स हैं। इनकी पैकेजिंग चेक कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर अगेन इन्होंने टेस्टिंग के लिए रखे हैं कि अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग ये चेक भी कर लीजिए कि हमने कैसा जो है हमारी कंपनी कैसा दे रही है। बारकोड भी बताएंगे कि हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से काम कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर डिफरेंट पैकेजिंग में कुछ और जैम की बॉटल्स आ गई हैं और पीछे जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि इनके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। अगेन यहाँ पर भी कुछ टोमेटो केचप, चिली गार्लिक और इस तरह के सारी चीज़ें हैं। फिर देन इसके बाद क्रैकर्स आ गए, कुछ नीचे जो हैं चिप्स वगैरह आ गए, निम्को वगैरह आ गए हैं। तो ये सारा इनका पूरा एक फूड ओपरा का स्टॉल था। देन नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पर हनीफ पे। तो हनीफ वाले जो हैं देते हैं बहुत सारे मसाले, चिकन मसाला, कढ़ाही मसाला और कोरमा मसाला, डिफरेंट नाम आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे देते हैं और इनकी पैकेजिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग इनकी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने जो है यहाँ पर ये क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड हैं, अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। वरना ज़्यादातर तो वही जो फेमस ब्रांड है शान वगैरह वही यूज़ की जा रही होती है। खैर तो यहाँ पर ये सब कुछ देते हैं, कसूरी मेथी भी दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे इनका ड्राई पाउडर जिस तरह के क्रश पाउडर्स हैं वो सब हैं यहाँ पर। ड्राई जो हैं चिलीज़ हैं आप देख सकते हैं, रेड चिलीज़ हैं। तो ये सब कुछ भी यहाँ प्रोवाइड करते हैं बॉक्सेस में, मतलब बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इनकी और इनका भी बहुत बड़ा सा स्टॉल आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है डिलीवरी एक्सीलेंस है। और ये क्या करते हैं, ये रेडी टू कुक फूड है इनका। आप लोगों ने बस जस्ट इसको जो है वो अब लेकर आइए और इसको अपने आप लोग घर पे जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा इसको फ्राई करना पड़ेगा। जैसे भाई करके दिखा रहे हैं कि ये रेडी टू कुक पराठा है, बस आपने इसको तवे पर डाला और देन जो है ये कुक कर लेंगे। और यहाँ पर ये किसी के लिए ऑर्डर तैयार कर रहे थे और पीछे भी कुछ जो है वो आपस में इनकी बिजनेस डील चल रही थी और ये किसी भाई साहब के लिए तैयार कर रहे थे रात का खाना, यानी कि पराठे रात में चेक करवा रहे थे। और यूनाइटेड किंग बहुत ही बड़ा ब्रांड, सब जानते हैं ये उनके जो हैं ब्रांड। और जो यहाँ पर आप लोग यूनाइटेड किंग के सब देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पर बहुत ही, मैंने जैसे बताया क्या नाम है इनका, तो इनके तो जो भी चीज़ें आप लोग ट्राई किसी ने कभी ना कभी की होंगी। और मैं इनकी जो है बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है इनकी। और इनके और इनके जो हैं चिप्स वगैरह, निम्को हो गए, बेकरी केक्स हो गए और रस पापा, इस तरह की चीज़ें जितने भी ड्राई आइटम्स अगर देखें वो भी बहुत अच्छे हैं, बेकरी आइटम्स देखें वो भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इनके स्टॉल को और ये सामने कोई लेडी इनका जो है वो इंटरव्यू ले रही थी, शायद इन्होंने पेज पर डालना होगा। खैर अजमल के जो है स्टॉल पर आई तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे एसेंस मिल रहे थे और जैसे आप लोग देख सकते हैं कलरफुल सीरप्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर अर्के गुलाब हैं, कुछ मेडिसन्स हैं। और जो यह मैं अगेन सामने गई ज़रा मैंने कहा फोकस करके दिखा दूँ, तो शरबत संदल था और ये है अर्के गुलाब। अगेन मैंने ज़रा फोकस करके बनाने के लिए आगे गई थी। यहाँ पर कुछ और फ्लेवर रखे हुए हैं और मकवा, आई डोंट नो क्या होता है मकवा का एक लिक्विड सिरप था। और आगे इनका हनी है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी मेडिसन्स भी थी इनकी। और पहले मैंने बायगॉर्डन का नाम नहीं सुना हुआ था तो यहाँ पर मैंने देखा है और आई थिंक सो सही होगा। ऐसी बात है, अगर ये अपना स्टॉल लगा रहे हैं फूड एशिया में तो कोई ना कोई इनकी प्रोडक्ट में जो है ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये इतने बड़े लेवल पे शोकेस करने आए हैं और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने जो है चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई थी। और यहाँ पर जो है मैं अगेन आप लोगों को सारी वन बाय वन दिखा रही हूँ कि क्या क्या हैं। कुछ मेडिकेशंस टाइप मेडिसन्स बनाई हुई इन्होंने और यहाँ पर इन्होंने मुझे फिर एक जो है गिफ्ट भी दिया और वो गिफ्ट मैंने अभी तक खोला नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन वो शायद इन्होंने मुझे बताया था कि इस पर होल छिलका दिया था इन्होंने मुझे। मेहरान डेट्स प्रोडक्ट पर आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल। यहाँ पर इतनी सारी डेट्स की वैरायटी थी, खजूरों की बहुत सारी वैरायटी थी और यहाँ पर इन्होंने साथ ये थोड़ा सा कलरफुल ये भी दे दिया कि अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर भी रख कर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। बॉक्सेस थे कलरफुल, बहुत प्यारी प्यारी सी और डेट्स की बहुत सारी वैरायटी थी।
लेकिन ना बहुत ज़्यादा मुझे ना ऐसे लगा कि जैसे इन्होंने शीरा इसके ऊपर कोट बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नरम पड़ गई थी। और यहाँ पर डिफरेंट पैकेजिंग में बहुत सारे ये छुआरे टाइप कुछ खजूरें थीं, और यहाँ पर इस तरह के इन्होंने लड्डू बनाए हुए, हर चीज़ में मतलब जितनी भी इस स्टॉल पर चीज़ें थी उन सब में खजूर का इस्तेमाल किया हुआ था। और किसी के ऊपर जो है वो खोपरा क्रश करके लगाया हुआ था, किसी के ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाए हुए थे, किसी के ऊपर तिल लगाए हुए थे। तो ये सारे मैं आपको डिफरेंट पैकेजिंग दिखा रही हूँ, और इनकी प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा थी। खैर, और टेस्टर में ये जो है अपना अचार टेस्ट करवा रहे थे कि अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा जो है गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने अपना इसी वजह से टेस्ट नहीं किया, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं ये लोग भी यहाँ पर, और खजूर का अचार भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, खजूर का अचार। और जो जो चीज़ें थी ना, मतलब उसमें सब में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इतनी ज़्यादा खजूर की इनके पास वैरायटी थी ना, मैंने कहा ये ना कि आप जो नमकीन इनका अचार है ना, जो मिर्ची वाला अचार है, उसमें भी खजूर ना डाली हुई, क्योंकि ना अगर कोई नमकीन या इस तरह की चीज़ होती है ना चटपटी, उसके अंदर अगर मतलब मीठे का जायका आ जाए ना, तो मेरा दिल ख़राब हो जाता है। तो खैर, मैंने चेक ही नहीं किया था। और एक लेडी वहाँ पर इस स्टॉल में, एक लेडी आई चेक करने के लिए, तो उनके हस्बैंड उनको चेक करवा रहे थे, कहते हैं कि आप चेक करें, तो कहती है नहीं नहीं देख के, कहती हैं ये अचार है, मतलब बहुत घुलावा लग रहा था, उन्हें कहती हैं ये अचार है, तो उन्होंने बोला चेक करें, तो उन्होंने इतना बड़ा पीस उठा के खा लिया, मतलब स्मेल बहुत प्यारी थी, मुझे तभी मैंने स्मेल सूंघी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया था, बस वो लोग टेस्ट करके चले गए थे, मुझे काफ़ी अच्छी आई। खैर, यहाँ पर बहुत सारी खजूरों की वैरायटी मैंने आपको दिखा दिया है। मरहबा पे आ गए हैं, मरहबा का स्टॉल दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, और यहाँ पर भी इनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं सारी, इस बगोल है इनके पास, जुशांदा है, हनी है, इस तरह की सारी चीज़ें इनके स्टॉल पर मौजूद हैं, मैंने ज़रा सामने से बता रही हूँ। मरहबा का खैर जानते हैं ब्रांड है, और बहुत अच्छी ब्रांड है, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा इनका खांसी का सिरप भी है, इनहेलर भी देते हैं ये लोग, मतलब और कुफोल के नाम से भी आता है इनका, अगर आप लोगों को जो है वो इशू हो रहा है इसका, नस्ले का हो रहा है, क्योंकि आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा रोज़ वाटर भी है, इनके कलर भी हैं, इनकी हिना भी है, आप लोग इनकी एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ये लोग दे रहे थे, और शैम्पूस भी हैं, इनके ऑयल भी हैं सर पे लगाने के लिए, इनके अलावा इनके एक्ने से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, सॉल्ट हैं इनकी बड़ी बात, देखें ज़रा। और इन्होंने फ्लेवर्ड यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स भी दे दिए इनकी, आप पैकेजिंग देख सकते हैं, सही है, काफ़ी जो है वो आई कैचिंग इनकी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर और दोबारा गेंद सर बहुत सारे जो हैं वो एसेंस फ्लेवर दे रहे हैं ये लोग, बहुत सारे सिरप्स दे रहे थे। और यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में आ गए हैं, तो इनके पास भी बहुत सारी बेकरी आइटम्स हैं, और ये ज़्यादातर जो हैं वो पिज़्ज़ा डो और इस तरह की चीज़ों के लिए मटीरियल देते हैं, और बेकिंग का सामान है ज़्यादातर इनके पास, और इनके स्टॉल पर फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ये इस तरह का मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा कोई मटीरियल चाहिए तो आप लोग इनसे आप लोग जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है ये लोग, मुझे इतना इस बारे में नॉलेज नहीं है जिस मैंने इसको कैप्चर किया है। देन आ जाएं मेहरान बॉटल्स, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इस कंपनी का भी ना पता हो, क्योंकि हम लोग सब जो हैं बाहर जब जाते हैं तो हम सब ने कहीं ना कहीं जो है इनकी ड्रिंक्स को ट्राई किया हुआ है। पाकिस्तानी ब्रांड है और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं इनकी सारी ड्रिंक्स यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर में। और अब तो हम लोगों ने बायकॉट पैसे भी कर दिया है बाहर के प्रोडक्ट्स को, और अब हम लोग तमाम पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं, पाकिस्तानी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। तो बस यही हमें जो है इस चीज़ को थोड़ा सा जी, तो एपी फार्म्स पर हम आ गए हैं, हलाल है, ग्लोबल हलाल सर्विसेज देते हैं, ISO सर्टिफाइड है 22,000, और इनकी प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग देते हैं हमें ओमेगा 3 यानी एग की बहुत सारी यहाँ पर जो है क्वालिटी मौजूद है, और पैकेज। और यहाँ पर भी जो है आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश था एपी फार्म्स पर। और इसके अलावा जो है ये लोग हमें क्रश में भी, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैदा है, वीट है, और ओट्स हैं, और बेकिंग रिलेटेड स्टफ़ भी इन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया। लेकिन मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने बाउल्स में ये चीज़ें जो हैं वो शोकेस की हैं। अगर ये किसी
जी, तो आप लोग देख सकते हैं अगेन इनका पूरा स्टॉल यहाँ पर। आप लोग इनकी सर्विसेज के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो इनके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिए। एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन लगी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं तो तब भी ज़रूर आइए और एक्सप्लोर कीजिए, अदरवाइज़ अगर नहीं भी तो ऐसे भी इंजॉय करने के लिए ज़रूर आइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टॉल पर आई हूँ, तो यहाँ पर जो है वो स्किम मिल्क और इस तरह के फ्लेवर्स, काफ़ी सारी स्किम मिल्क की काफ़ी सारी आप लोग देख सकते हैं कि वेराइटी मौजूद है इनके पास, और ये भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े बड़े मतलब बैजेस बनाते हैं, और अगर आप लोग इनसे बिज़नेस डील करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इनकी भी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग की हुई है। उसके अलावा इनके जो जो चीज़ों की क्वालिटी है, जो जो काम है इनके, वो सब बताया हुआ है। स्किम मिल्क पाउडर देते हैं, होल मिल्क पाउडर देते हैं, फैट मिल्क पाउडर देते हैं, वाइट एंड कलर्ड वे पाउडर देते हैं, डेरी एंड नॉन डेरी क्रीमिंग पाउडर देते हैं, तो सारे बताए हुए हैं कि हम कौन कौन से पाउडर्स देते हैं। अब है रिवर साइड्स पर आ जाइए, तो ये क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल अगर आप लोगों को आसान ज़ुबान में बताऊं तो वो मटेरियल होता है कि जो मसाले वगैरह बनाने के लिए चाहिए, यानी एक मसाला डायरेक्ट एक ही चीज़ से नहीं बन जाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पूरा मसाले के साशा देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगी कि मुझे एक चीज़ यहाँ पर फील हुई है, वो ये थी कि यहाँ पर ना लोकल जितना भी बिज़नेस हो रहा है ना, वो सारा का सारा आ रहा है हमारे पास सिंध साइड से, यानी जामशोर और यहाँ से सिंध के साइड से ज़्यादातर आ रहा है। ठीक है, सिंध ही ज़्यादातर आ रहे हैं, और आई डोंट नो क्वालिटी का क्या है, क्योंकि सारे लोकल ज़्यादातर जितना भी मैंने यहाँ पर देखा, आप लोग ये देख सकते हैं कि पाउडर भी हैं, इन्होंने बॉक्सेस में भी पैकेजिंग की है, साशास में भी है, पर आई डोंट नो कि जो है वो उनकी क्वालिटी कैसी होगी, अंदर से क्या हाल होगा चीज़ों का, आई डोंट नो। क्योंकि इसी वजह से लोग जो हैं वो फेमस ब्रांड को प्रेफर करते हैं कि इनके अंदर जो है वो बाय चांस कोई ना कोई जो है घपले के चांसेस होते हैं। देख सकते हैं आप, दालें भी देते हैं, चने भी दे रहे हैं, सब चीज़ें पैकेजिंग आप लोग इनकी पूरी देख सकते हैं। शायद ये सारी चीज़ें जितने भी आप लोग देख रहे हैं शायद सिंध में ज़्यादा यूज़ होती हों, हम लोगों ने यूज़ नहीं किए तो हमें इतना पता भी नहीं है। अच्छा, अब एक जैसे तो सारी मैं आप लोगों को, मुझे इसी चीज़ से याद आया तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, बहुत ही फेमस एक टैबलेट जो कि पैनाडोल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब ऐसे खाते हैं जैसे कि हम लोग खाने से ज़्यादा वो चीज़ पैनाडोल खा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जो पैनाडोल है ना वो भी शिफ्ट हो गई है जामशोरों की आई गेस किसी कंपनी में, मतलब सिंध में किसी कंपनी में ये जो है वो शिफ्ट हो गई है, मतलब जिस कंपनी में ये बनती थी, एक बाहर की बहुत फेमस कंपनी थी वो बना रही थी, अब वो नहीं बना रही, तो इसको बाय कर लिया किसी सिंध के किसी बंदे ने और वहाँ पे इसकी अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि मतलब जितनी ज़्यादा ये यूज़ की जाती है यहाँ पर और पाकिस्तान में जितना ज़्यादा घपला है ना, मैं बहुत हैरान होती हूँ। हर चीज़ की कॉपी मौजूद है, और जो अगर ये सिंध से बनकर आ रही है तो आई डोंट नो इसमें जो हमारे एक्टिव का लेवल होगा वो कितना होगा, मतलब उसके अंदर वो एक्टिव मौजूद होगा भी या नहीं होगा, आई डोंट नो, सॉरी टू से, लेकिन मुझे जो है वो इतना ट्रस्ट नहीं है इंटीरियर के जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना उन पर। तो आई डोंट नो कि अब जो है वो क्या हालात होंगे उस मेडिसिन के भी, उनके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है, हर छोटी चीज़ में हमारे यहाँ वो मेडिसिन यूज़ करने की आदत है। तो इसी तरीके से मुझे जो है इनकी यहाँ पर जो भी चीज़ें इन्होंने लगाई हैं सिंधी जो सॉरी टू से उनके जो स्टफ़ है, आई डोंट नो कैसा होगा, हमें खैर इस चीज़ पर ही जाना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 ज़रूर होता है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो इस स्टॉल को जो है वो मैंने कैप्चर नहीं किया था, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं एंट्री ले रही थी तो ये स्टॉल मेरा कैप्चर करना रह गया था। और अब यहाँ पर ये जो है हमें रैपिंग की बहुत सारी चीज़ें देते हैं, यानी रैपिंग बैग्स हैं, रैपिंग शीट्स हैं, तो ये भाई साहब जो हैं वो बता रहे थे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जिप स्लाइडर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं सारे, और जो जितने भी रैपिंग शीट्स हैं बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, ये भी इन्होंने दिखाया कि इसको लीजिए और सिंपल आप यहाँ से कट कीजिए।
और कट करने का तरीका भी उन्होंने बता दिया किस तरीके से किया जाए। तो खैर पीछे से आप लोग देख सकते हैं, भाई साहब ने बोला कि इनको एक जो है स्टॉल पर आने का गिफ्ट दीजिए, तो इन्होंने हमें एक रैपिंग शीट दिया। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें एक रैपिंग शीट मिली है नॉर्मल साइज़ की। खैर जी, तो यहीं पर मैं ज़रा इसको कैप्चर कर रही थी, तो साथ ही साथ जो है पीछे मुझे जो है शेफ़ गुलजार दिख गए। तो खैर मैंने पहले सोचा कि पहले मैं इसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर लूँ, देन उसके बाद जो है मैं उनकी तरफ जाऊँगी। और शेफ़ गुलजार जो हैं वो इनको इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस वजह से यहाँ पर मौजूद थे और ये इनके स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर। तो और काफ़ी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनकी मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ, इनकी पैकेजिंग इन्होंने दिखाया हुआ किस तरीके से कीजिए, यहाँ पर इन्होंने एक स्टोव भी रखा हुआ था। ये सारा कैप्चर कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है फिर मैंने इनके साथ कुछ पिक्चर्स बनवाई। शेफ़ गुलजार के साथ बहुत ही हम्बल और बहुत नाइस पर्सन है, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले बंदे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। और साथ इनकी वाइफ भी आई हुई थी और वो भी बड़ी फ्रेंडली हैं, मतलब उनके पास भी दो लड़कियाँ बैठी हुई थी और उनके साथ भी वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दोबारा से मैंने सोचा कि थोड़ा सा जाते जाते इनका पूरा स्टॉल दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अगेन मैं थोड़ा सा कैप्चर किया, तो वो धड़ाधड़ पिक्चर बना रहे थे जी। तो आज की एग्जीबिशन जो है बहुत ही मज़ा आया कवर करने में, इतना टाइम नहीं था ज़्यादा, मतलब लिमिटेड टाइम था क्योंकि जैसे मैंने बताया अंधेरा जल्दी हो जाता है और टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट थी इनकी, तो बस जल्दी जल्दी से कवर किया, लेकिन बहुत मज़ा आया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही जो है मज़े की अच्छी एग्जीबिशन थी, ऐसी एग्जीबिशन थी कि जिसको कवर करने में मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वहाँ पेंडिंग नहीं कर सकी क्योंकि एकदम रश बहुत हो गया था और ऑफ का टाइम था उनका, तो रश की वजह से मैं वहाँ पे इतनी एंडिंग नहीं कर सकी, तो जल्दी जल्दी से बस हम लोग जो है निकल गए। तो अब मैं एंड कर रही हूँ वीडियो को, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, बाय बाय।